नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर गुरुवार को जौनपुर नगर के जेसी चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने पकौड़ा तलकर व बाटी चोखा बनाकर बेरोजगारी दिवस मनाया। इस दौरान सपा के फ्रंटल संगठनों के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी युजन सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिवजीत, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप मौर्य, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष गुड्डू कुमार सोनकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता आशीष यादव मुलायम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार युवाओं का सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जब से सरकार आई है, इस दौरान 5 साल तक संविदा पर नौकरी रखने की बात की जा रही है, तो नौकरियों में कटौती, लेट लतीफ परीक्षा, लेट परिणाम, परीक्षा में घपला, ज्वाइनिंग न मिलना, यह प्रमुख मांग है। इसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है, जिसके खिलाफ वह समाजवादी कार्यकर्ता आंदोलन करने को विवश हैं। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में वादा किए थे इस देश के नौजवानों से कि मेरी सरकार बनेगी जब मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार तो देना बहुत दूर की बात है। जो हमारे देश के रोजगार के संसाधन थे, उसको भी आए दिन रोज बेचते जा रहे हैं। जैसे चाहे BSNL हो, भारत संचार निगम लिमिटेड हो, चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे आपकी जहाज हो, चाहे इस देश का लाल किला हो या और ऐतिहासिक धरोहर हो, सबको निजीकरण करते जा रहे हैं, सबको बेचते जा रहे हैं, मुट्ठी भर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में। चाहे वो अडानी जी हों, चाहे अंबानी जी हों, चाहे और उद्योगपति गुजरात के जो 10-12 हैं, उन्हीं को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए ये नौजवानों के पेट पे लात मार रहे हैं, सरकारी नौकरियों को बंद कर दिए हैं। अभी वित्त मंत्री जी का 1-2-4 दिन पहले बयान आया है कि अब कोई सरकारी भर्ती नहीं होने वाली है। कार्यक्रम आज कौन सा किए आप लोग, वो बताइए। आज हम लोग जो है, जो मोदी जी कहे थे आप BTech करके MTech करके पकौड़ा तलिए, ये भी रोजगार है। आज हम लोगों ने यहाँ इस जौनपुर जनपद के मेन चौराहे पे पकौड़ा तल के नौजवानों को खिलाने का काम किए हैं। इसी को हम लोग अब रोजगार अपनाना चाहते हैं, रोजगार बनाना चाहते हैं, मोदी जी के शब्दों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शिवजीत, समाजवादी। किस पद पे हैं? हम जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी युजन सभा। क्या आज कार्यक्रम आप लोग किए? आज पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में जो है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए रोजगार को दिखाते हुए प्रत्यात्मक रूप में जेसी चौराहे में हम लोगों ने जो है पकौड़ा तलने का काम किया हुआ है। जिस प्रकार से उपचुनाव में उत्तर प्रदेश और विधानसभा चुनाव बिहार में ये जो है पकौड़े, बट्टी चोखा और पकौड़ा जो है तल के दिखाना चाहते हैं युवाओं को, उसी को हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से देश को जब बताना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री और योगी जी को बताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को, कि देश का युवा नौजवान, बेरोजगार नौजवान आपके साथ जो है मान करके आंदोलन के रास्ते जाने के तैयार है। जिस हालात को आपने पैदा किया हुआ है, उस हालात से निपटने के लिए सरकारी रोजगार और स्थायी रोजगार की मांग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और उस पर उनके जन्मदिन के दिवस पे आज देश का युवा बेरोजगार ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसका विरोध आज पकौड़ा और बाटी चोखा जो है छानकर विरोध जताने का काम किया है। क्योंकि इनकी 6-6.5 साल की सरकार में और माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश की 3.5-3 साल की सरकार में सबसे ठगा महसूस हो रहा है, जो कि नौजवान युवा बेरोजगार आज सड़क पे है। आज उसी का विरोध प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर करके विरोध जताया है। क्या नाम है आपका? गुड्डू सोनकर, जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जौनपुर। मंत्री योगी मोदी और मोदी जी का जन्मदिन है, उस पर सभी पढ़े लिखे युवा नौजवान
आज जैसी चौराहे पे बाटी चोखा बेचकर रोजगार के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को ललकारने का काम किया है। हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, आज बाटी चोखा बेचकर अपने रोजगार की मांग करते हैं और इसे प्रधानमंत्री को देश से उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। मैं आशीष मुलायम नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, यूजन सभा के जिला अध्यक्ष और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष, साथ हम लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का विरोध जताया है और युवाओं को रोजगार दे, छलने का काम बंद करे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।